हेलो दोस्तों, मैं सत्येन सिंह। आज दोस्तों हम लोग जो प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट किए थे, आज उसका हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग उसी के आगे चलते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की उनकी संभावना है। जैसे अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, कल हमने दो क्वेश्चन बताया था, आज जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आवेश की ESU कामा EMU तथा कूलाम, आवेश की ESU कामा EMU तथा कूलाम इकाई में संबंध बनाना है। तो ये दोस्तों आपका एक नंबर से रिलेटेड आ सकता है, संबंध बताइए। तो यहां पर एक नंबर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि हमने आपको तीन मात्रक बताए थे, MKS, CGS और अदर यूनिट बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, और CGS में क्या आया था आपका, स्टेट कूलाम। CGS मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ESU बोलते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। कल हम लोगों ने ये वैल्यू देखा था, ठीक है। और हमने एक वैल्यू और हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि जो आवेश का एक अदर यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, EMU बोलते हैं। और यहाँ पर एक कूलाम बराबर आपने देखा था कि एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये वैल्यू है जो कि हम लोगों ने कल देखा था कि एक कूलाम बराबर इतना होता है। अब यहाँ पे क्या देखना कि इनका क्या करना है, रिलेशन हम लोगों को क्या करना है, स्थापित करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक कूलाम इक्वल टू ये है और एक कूलाम ये बराबर है। अगर देखा जाए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका राइट है और ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड, और ये भी क्या है, राइट हैंड साइड, और ये इन दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और आप जानते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दो में से किसी कोई एक साइड अगर आपस में इक्वल है, अगर मैं इसे समीकरण क्या मानू, एक मानू, अगर हम इसे एक माने और इसे क्या माने, दो, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ क्या, 9 ESU, ठीक है। जरा देखिएगा फिर से, यहां देखिए, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसका मतलब 3 × 10⁹ की वैल्यू कितनी है, 1/10 EMU है कि नहीं, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और यही किसके बराबर होता है, एक कूलाम के बराबर होता है। तो इसलिए एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU और यही आपका 1/10 EMU हो जाएगा। यही क्या होता है, कूलाम, यही क्या होता है, कूलाम, कूलाम और ESU और EMU में क्या होता है दोस्तों, रिलेशन होता है। तो अगर आएगा तो आप यहां से ये चीज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है जो कि एक नंबर में ही आएगा, जब भी पूछेगा एक नंबर में आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, एक और छोटा सा सवाल है यहाँ पर देखते हैं, और इसमें कहा गया है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होते हैं। अच्छा जरा एक चीज की और बात कर लेते हैं, जैसे आपका पूछा जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़े हो, आप लोग पढ़े हो कि एक कूलाम आवेश में कितना होता है, 6.25 × 10⁻¹ कितना, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर देखा जाए, निकालना भी आप सीख सकते हो, अगर यहां पर देखिए हम लोग अगर कहें कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दोस्तों आप यहां से क्या कर सकते हो, अगर एक कूलाम आवेश है तो यहां आप जानते हो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, एक कूलाम हो गया, एन की वैल्यू हमें निकालना है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कितना होता है, -19 कूलाम होता है। तो n इक्वल टू क्या होगा आपका, q अपॉन e, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला q इक्वल टू क्या होता है, n इनटू e। अगर यहां से n की वैल्यू ले तो q अपॉन क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और यहां से आप इसको देखो, q का मान कितना है, 1, और e का मान 1.6 × 10⁻¹ कितना, -19 होता है, ठीक है ना। अगर आप इसी का भाग देंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻¹ कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये आप तो भाग, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। तो अगर कोई कई बार पूछा गया है एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश आता है तो कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है,
तो होता है 6.25 गुणते 10 घात, कितना होता है 18 होता है। अब इसी चीज से रिलेटेड अगर यहां पर कह दिया जाए कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें कहा है। अगला सवाल देखते हैं, ये चौथा सवाल 4 नंबर सवाल है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होते हैं। निर्मित होने का मतलब दोस्तों जानते हो क्या है कि अगर किसी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब कोई भी वस्तु है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए या वहां से निकल जाए तो उस पर 3.2 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा, निर्मित होता है। तो यहां देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है, 3.2 कूलाम है, ठीक है ना। एन की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो इस इक्वल टू कितना होता है 1.6 × 10⁻ कितना होता है -19 कूलाम होता है। अब जानते हैं एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ई होता है और क्यू की वैल्यू 3.2 और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹¹. अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 × 32 दो बार जाएगा। और आप जानते हो जब भी पावर आपका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, +19। तो ये आपका इतना हो गया कि कहते हैं एन इक्वल टू 2×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु पर 2×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो उस पर कैसा उस पर कितना आवेश आ जाएगा, 3.2 कूलाम आवेश आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर वहां से इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं निकलते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं मतलब 2×10⁻¹⁹ कूलाम इलेक्ट्रॉन आपका अगर आते हैं तो उस पर 3.2 कूलाम का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तभी आएगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आएंगे, और किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आएगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या था कि कहते हैं, अब एक सवाल और है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां पर देखते हैं 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम है। ये आपका है, इसका मतलब देखिए इसमें कहा है कि कितना आवेश होगा, कुल कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो दोस्तों यहां पर जरा देखते हैं, पहला नंबर क्या है कि इसमें कहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान है और वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसका ओवरऑल मान लीजिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित है इसमें, और इसका इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल मास है वो कितना है, 75 किलोग्राम। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। और आप जानते हो आवेश निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, Q=N(e)। नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है, और ये टोटल कितना है, 75 किलोग्राम। अगर हम यहाँ पर देखें कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है जिसके कारण उनका जो कुल द्रव्यमान आया है वो 75 किलोग्राम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें क्या करना है, निकालना है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों अगर यहां से देखें तो कुल द्रव्यमान कितना है, 75 है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो 9.1 × 10⁻³¹ आपका क्या हो जाए, किलोग्राम।
अगर दोस्तों आप इसको काटोगे, अगर यहां से आप इसको काटोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 75/9.1, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10^31। अगर इसमें आप भाग दोगे, आप दे लीजिएगा, मैंने दे सॉल्व कर लिया है, तो यहां पर आपका आएगा लगभग 8.24 आएगा। अगर आप 75 में 9.1 से अगर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आपका आएगा 8.24, और ये क्या है आपका 10^31। इतने क्या हो जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब कि जो 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान था, वो 75 किलोग्राम कितने इलेक्ट्रॉनों के होने से उत्पन्न हुआ था, तो 8.24 × 10^31 इलेक्ट्रॉन की कहते हैं इसमें यहां पर उपस्थित हो गए, तब जाके कुल द्रव्यमान कितना होगा 75 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा हुए थे, सब इकट्ठा हुए थे, तो इन इलेक्ट्रॉनों के आने से इस पर कितना आवेश रहा होगा, यही हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। यहां पर कितना आवेश रहा होगा, तो देखिए यहां से ये किसका वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया, तो अब यहां से देखिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, एन की वैल्यू 8.24 × 10^ कितना 31, और ई की वैल्यू कितना है 1.6 × 10^-19 कूलम। अब यहां से आप अगर मल्टीप्लाई दोस्तों करोगे इसका और इसका गुणा करोगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए 8.24 में 1.6 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13.18 आएगा, ठीक है, 13.18 आएगा। और यहां से अगर आप देखिए 31 में से अगर 19 अगर आप घटाते हैं तो यहां से टोटल कितना बचेगा, 12 बचेगा, 10^12 कूलम। अब दशमलव को अगर एक अंक इधर लाते हैं तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.318 हो जाएगा × 10^12। और यहां देखिए एक अंक हम लोग किधर दशमलव को शिफ्ट किए हैं, बाएं साइड, आपको मैंने बताया कि बाएं साइड जब भी हम दशमलव को लाते हैं जितने अंक शिफ्ट करते हैं दशमलव को पावर में उतना ही क्या कर देते हैं बताइए, जोड़ देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, +1 हमने जोड़ दिया, तो यहां से क्यू इक्वल टू आ गया 1.318 × 10^13 कूलम। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इतना आवेश। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर इतना, इस 75 किलोग्राम द्रव्यमान पर कुल इतना आवेश आपका उपस्थित होगा, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार रोक के फिर से आप इसे देख लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं ताकि ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो किसी वस्तु पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा तो धनात्मक आवेश, अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर कैसा दोस्तों, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। पर इसको बारीक से समझते हैं, मान लीजिए देखिए ये क्या है, वस्तु है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि कोई भी अगर वस्तु है उदासीन अवस्था पे वो क्या होता है हमेशा, नॉर्मल अगर अवस्था में देखा जाए तो वो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अर्थात उस पर अगर ये न्यूट्रल है तो वो क्या होगा, उदासीन, और उदासीन का दोस्तों मतलब होता है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, शून्य आवेश। और आवेश शून्य तभी होगा जब उस वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश हो और उतना ही क्या हो, ऋणात्मक आवेश। तो अगर दोस्तों यहां से देखें तो ये आपका धनात्मक आवेश, तो यहां पर उतना ही क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश है, यहां पर उतना ही ऋणात्मक आवेश। हमने आपको बताया था कि ये जो धनात्मक आवेश होता है ये हमेशा प्रोटॉन को बताता है और ऋणात्मक आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक यही पर यही वस्तु है, समझिएगा यही वस्तु है, इस पर आपका प्लस चार्ज और ये आपका दोस्तों माइनस चार्ज, जितना प्लस है उतना ही यहां पर क्या है, माइनस है। अब यहां पर ये आपका प्रोटॉन बताएगा और ये इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 4+ है, 4-, दोनों कट गया, टोटल चार्ज जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, जीरो। अगर दोस्तों नेट चार्ज जीरो हो गया तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। यहां पर देखिए टोटल कितने चार्ज है, 4, और ये भी -4, तो 4 और +4 और -4 टोटल कट गए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो 1.6×10^-19 होता है। यहाँ प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6×10^ कितना होता है, -19। इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है 1.6×10^-19 कूलम होता है, लेकिन बस इस पर कैसा होता है, माइनस होता है, इस पर क्या होता है, प्लस।
और दोनों को जब जोड़ेंगे देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस पर भी कैसा आवेश, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, शून्य आवेश। और शून्य आवेश का दोस्तों मतलब होता है उदासीन, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, इसको चार्जिंग जो मेथड होता है, आवेशन की जो विधि होती है, इसी तरीके से इस पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराया। तो दोस्तों यहां से ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ गया, इसमें आ गया, इस वक्त पर आ गया। ध्यान से समझिएगा, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ही क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मास होता है प्रोटॉन का वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जानते हो आप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी वस्तु को हम हटाने के लिए आपको कह दे कि यहां से इस वस्तु को दूसरी जगह पर रखो, तो आप हमेशा वही वस्तु का चॉइस करोगे जो बहुत हल्का होता है, उसी को आप हटाना पसंद करोगे, ये नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कराना की कहते हैं इसलिए आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो बहुत कम होता है प्रोटॉन की तुलना में, इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा दोस्तों, एक चला गया तो यहाँ कितने बचेंगे, एक दो तीन, और यहाँ कितने बचेंगे, ये आपका प्लस चार प्रोटॉन बचा। और यहाँ पर अगर दोस्तों आया, इस वाले वस्तु पर आया, तो यहाँ पर कितने प्लस, आपके प्लस कुल कितने प्लस है, चार है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक दो तीन चार, चार था, लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर कितना हो गया, पांच। अब ये देखिए प्लस चार है और ये दोस्तों कितना है, माइनस तीन, अगर घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस वन आएगा कि नहीं। और यहाँ पर दोस्तों कितना है, प्लस चार है और यहाँ पर कितना है, माइनस पांच, और घटाओगे कितना आएगा, माइनस वन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यहाँ पर एक आवेश आ गया, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस वन आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो दो के दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश आता है। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी तो यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। इसका मतलब कि अगर एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश आएगा उतना उस पर ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि इस पर प्लस वन चार्ज आया है तो इस पर कितना आएगा, माइनस वन चार्ज, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक ये वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है, इस पर माइनस दो चार्ज आया है, तो जाहिर सी बात है इस पर कितना आना चाहिए, प्लस दो चार्ज आना चाहिए, समझ गए दोस्तों। ये पहला नंबर, क्योंकि इसका यूज यहां पर होगा इसलिए मैंने बताया। दूसरा नंबर ध्यान दीजिए, अगर यहां पर देखिए, यहां पर कुल कितने लोग खड़े थे, आठ लोग, यहाँ पर कुल कितने लोग खड़े थे, आठ लोग, दो के दोनों जगह पे है। अब यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ से चला गया, आकर इस जगह पर खड़ा हो गया, तो अब बताइए, मान लो ये क्या है, ये मान लो एक नाव है, एक ये नाव है, यहाँ पे कुल आठ लोग खड़े थे, कुल आठ बच्चे खड़े थे, और यहाँ पर भी कितने थे, आठ थे। ये बच्चा क्या किया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर आके खड़ा हो गया, तो अब यहाँ कुल कितने लोग बचे, सात लोग, और यहाँ पर कुल कितने लोग हो गए, नौ लोग। अब बताइए, सात लोग का मास ज्यादा होगा कि नौ लोग का, तो यहाँ पर अगर एक बच्चा बढ़ा तो यहाँ का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ से गया है तो यहाँ का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है तो वहां का जो मास होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो धनात्मक आवेश, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा जो मास होता है वो दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मास की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर निगेटिव चार्ज किसी वस्तु पर आता है तो वहां का जो द्रव्यमान होगा, जो द्रव्यमान होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि कहते हैं वृद्धि, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया। इसका मतलब कि जब भी किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस पर धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु पर जाता है उस पर ऋणात्मक आवेश, दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल होगी, बराबर होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी होता है उसी के अकॉर्डिंग। और दूसरा नंबर, जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा उसका मास क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा, और जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आएगा उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आइए बच्चों यहां पर देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कहा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, एक कांच का छड़ लिया है और एक रेशम है, इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, कौन से विधि, घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड, अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, चार्ज नाम देते हैं। तो ऐसे इन दोनों वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक रेशम की छड़ है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, एक कांच की छड़, ये दोस्त कांच की छड़, और ये क्या है दोस्तों, रेशम है, ये क्या है दोस्तों, रेशम, ये क्या है, रेशम। अब इन दोनों को आपस में क्या किया गया, आपस में रगड़ा गया। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो यहां पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर, जो ये छड़ है इस पर बच्चा क्या आता है, आवेश आता है, और कितना आवेश आता है इस कांच की छड़ पर, 3.2×10⁻¹⁹ धनात्मक आवेश, छड़ पर इतना धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, यहां मैंने धनात्मक नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो जब भी इस वस्तु को हम रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है उस पर इतने कूलाम का धनात्मक आवेश आ जाएगा। कह रहा ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश, तो पहला नंबर हमें क्या ज्ञात करना है, रेशम पर आवेश, पर आवेश। ठीक है ना, तो हमने आपको कहा कि अगर हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा है तो एक वस्तु पर इस पर धनात्मक आवेश आएगा, तो इस पर क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, कितना आना चाहिए, जितना इस पर है उतना इस पर। तो यहां पर लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, तो यहां से क्या हो जाएगा, कांच की छड़ पर आवेश, कांच की छड़ पर आवेश बराबर, आवेश बराबर रेशम पर आवेश, रेशम पर आवेश। इसका मतलब कि जो कांच की छड़ पर आवेश आएगा वही क्या आएगा, रेशम पर आवेश आएगा। लेकिन दोस्तों इस पर कैसा आवेश आया था, धनात्मक आया था, कितना, 3.2×10⁻¹ का, इस पर कांच की छड़ पर क्या आया था, धनात्मक आवेश आया था, इसलिए भैया रेशम की छड़ पर, रेशम रेशम पर आवेश बराबर कितना, 3.2×10⁻¹ कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो क्लियर हो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये आपका ये वाला पहला क्वेश्चन था, रेशम पर आवेश कैसा आएगा। ठीक है ना, तो इतना आवेश आएगा और ऋणात्मक आवेश, क्यों, क्योंकि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आया है। अगर कांच पर ऋणात्मक आवेश आता होता तो बताइए रेशम पर कैसा आवेश होता, तब रेशम पर धनात्मक आवेश होता। ठीक है ना, अब यहां पर दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि छड़ से रेशम में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन गया, रेशम में, इसका मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसमें होता है, रेशम में। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आया है भैया तो जाहिर सी बात है इस पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो यहां पर देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में कहा है रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों रेशम पर जो आवेश की मात्रा है निकालते हैं, तो रेशम पर आवेश बराबर इक्वल टू 3.2×10⁻¹ कूलाम। ठीक है ना, ये क्या हो गया, रेशम पर आवेश। अब यहां पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ये दोस्तों किसकी वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई, आप जानते हो एन इक्वल टू क्यू अपान ई होता है, क्यू की वैल्यू 3.2×10⁻¹ होता है और E की वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹ कितना, -19 होता है।
अब यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 1.6 है, ये 3.2 है, 16 दूना 32, दो बार गया, और ये कहां जाएगा ऊपर। और मैंने आपको बताया है जब भी पावर आपका ऊपर शिफ्ट होता है तो पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर दोस्तों प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर दोस्तों माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां देखते हैं ये ऊपर गया तो 10 to power -9, और ये आपका 10 to power क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। और 9 में अगर -9 में अगर आप +19 को घटा दोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, 2 into 10 to power 10 हो जाएगा। यही बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा, यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अर्थात 2 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित किया जाएगा तो उस वस्तु पर, इस रेशम पर, कि कहते हैं इतना इलेक्ट्रॉन इतना आवेश आएगा, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इस पर 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम का क्या आता है, आवेश आता है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, इसमें जो दूसरा कहा था ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा है छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। ए बच्चा ये बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतने ही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान परिवर्तन होगा। मान लो छड़ पर 20 लड़के थे और रेशम पर भी कितने लड़के थे, 20 लड़के, ठीक है, छड़ पर कितने लड़के थे, 20 लड़के, और रेशम पर भी कितने लड़के थे, 20 लड़के। पांच लड़के कांच से कहां पे चले गए, छड़ से कहां पे चले गए, रेशम पर, बोलो भैया। तो अब अगर पांच बच्चे यहां पर चले गए तो यहां पर पांच बच्चों के द्रव्यमान की क्या होगी, कमी, और यहां पर पांच बच्चे अगर आ गए तो पांच बच्चों के द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना यहां पर ट्रांसफर होगा उसका द्रव्यमान ही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, समझ गए। तो यहां से निकालते हैं कि कितना द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, तो देखिए बच्चों, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन तीसरा जो हम लोगों का है, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, यही परिवर्तन हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और रेशम पर इतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, छड़ या रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, छड़ या रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर, अगर परिवर्तन देखे तो परिवर्तन को मान लेते हैं डेल्टा एम से मान लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन को हमेशा डेल्टा दिखाया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणते एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बोलो बच्चों, अगर मैं कह दूं पांच बच्चे अगर वहां से ट्रांसफर हुए हैं तो हमें एक बच्चे का द्रव्यमान पता हो, और पांच कितने बच्चे हैं वो पता हो, तो बच्चों की संख्या गुणते एक बच्चे का द्रव्यमान, तो हम टोटल कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से अगर दोस्तों डेल्टा एम बराबर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 × 10⁻¹⁰ क्या हो जाएगा, 10, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, ये है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ये क्या है, ये मास है, ये क्या है, मास। अगर यहां पर क्या कर दे, इसका गुणा कर दे, तो देखिए अगर दोस्तों इस पर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू, देखिए यहां पर 2 का गुणा करें, 2 × 1 = 2 और 9 × 2 = 18, 18.2। और यहां देखिए ये पावर आपका -31 है और ये +10 है, तो यहां से घटाओगे 10⁻¹⁰ कितना, -21 क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ये आपका इतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा, इतना द्रव्यमान ट्रांसफर होगा, ठीक है, छड़ से किस पर जाएगा, रेशम में, ठीक है। तो अगर इसी को और आप लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड रूम में तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू, एक पॉइंट इधर अगर लाओगे तो 1.82 × 10⁻²¹। आप जानते हो जब हम कहां आते हैं, लेफ्ट आते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस एक जोड़ देते हैं,
दशमलव के शिफ्टिंग में जब हम लेफ्ट आते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस जोड़ देते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10 टू पावर कितना, -20 किलोग्राम। इतना क्या हो जाएगा कि कहते हैं रेशम के छड़, रेशम या जो कांच का छड़ है उसमें द्रव्यमान परिवर्तन, ठीक है ना। अब यहाँ परिवर्तन तो हो रहा है, अब क्या आप बताओगे कि कांच की छड़ में द्रव्यमान की कमी हो रही है अधिकता, या रेशम में कमी हो रही है कि अधिकता। तो दोस्तों अगर यहां पर देखें अगर दोस्तों यहां पर देखें कांच पर कैसा आवेश है, अगर दोस्तों कांच पर, कांच की बात करें तो कैसा आवेश, धनात्मक, धनात्मक आवेश। और जानते हो धनात्मक आवेश में हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान की कमी होती है, द्रव्यमान की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों द्रव्यमान की कमी होगी तो कितना द्रव्यमान भैया, इतने द्रव्यमान तो परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10 टू पावर -20 किलोग्राम, क्या हो जाएगा, कमी होगा, समझ गए। तो जो कांच का छड़ होगा उस पे इतने द्रव्यमान क्या हो जाएगी, कमी। और यहां पर क्या है, रेशम है, तो रेशम पे भैया ऋणात्मक आवेश है, तो अगर ऋणात्मक आवेश है तो उस पर क्या होगा, द्रव्यमान की अधिकता। तो यहां पर देखे रेशम, रेशम की अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश है। और आप जानते हो ऋणात्मक आवेश पर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, ठीक है। अब द्रव्यमान में वृद्धि कितना होगा, तो डेल्टा एम बराबर 1.82 × 10⁻²⁰ किलोग्राम, इतना क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या था, ये कुछ सवाल न्यूमेरिकल्स थे जो कि अभी तक आप क्लास वगैरह में ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और खतरनाक सवालों के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल होंगे और उसका लेवल भी क्या होगा, बहुत अच्छे से हाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताएं कि आपको कैसा ये क्लास लग रहा है। थैंक यू दोस्तों।